हे व्हाट्सअप गाइस, तो क्या कर रहे हो आप लोग? आज मैं आपके लिए पोकेमोन एक्स का एक और नया एपिसोड लेके आ चुका हूँ यार। तो चलिए यार, इस एपिसोड को शुरू करते विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले यार, वीडियो को कर दो लाइक एंड एपिसोड बनाने में जो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए आपको जो एपिसोड थोड़े लेट मिल रहे होंगे यार, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बाय द वे, अपने पहले यहाँ पर बात हो चुकी थी और अपन को कुछ कॉफ़ी शॉप के बारे में बोला गया था कि अपन को कुछ कॉफ़ी शॉप में मिलेंगे ये लोग, एंड वो जो बंदा था अपन को है संकल्प वगैरह कर रहा था, तो वो अपन को कॉफ़ी शॉप में मिलेगा। बाय द वे इधर है नहीं वो, अभी पता नहीं कहाँ मिलेगा वो। तो अपन को जो ये पूरी सिटी एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, तो चलिए इसको एक्सप्लोर कर लेते सबसे पहले। तो एंड बाय द वे, आगे का इसमें मैं पोकेमोन सेंटर ढूंढ रहा था, मेरे को ढूंढते ढूंढते इतनी यार क्या बताऊँ तुमको, इतनी मेहनत लगी मेरे को, बहुत लेट पोकेमोन सेंटर मिला। ये सब बोल तो रहे इधर प्रोफेसर की लैब के पास आसपास ही जो पोकेमोन सेंटर है, बट मेरे को मिला नहीं यार, पता नहीं क्यों। एंड सबसे पहले जो अपन इस बिल्डिंग को चेक कर लेते ताकि इसमें जो भी कुछ अच्छा अच्छा सामान अपन को बता सकते, तो ये तो कुछ ट्रांसपोर्टेशन की कुछ बिल्डिंग है यार, तो इसमें कुछ अपना काम नहीं, नोट रियली करके निकलते इधर से। कुछ मेल वेल अगर अगर अपन अपन जो करना हो अपन को किसी को भी, तो मेल तो कर सकते इधर से, डाकघर जो भी तुमको बताओ यार। एंड आगे निकलते अपन, आगे प्रोफेसर की लैब ही है, इसके आसपास ही पोकेमोन सेंटर है, बट मेरे को ये साइड में जो पोकेमोन सेंटर जैसा लग रहा है, नहीं ये पीआर वीडियो स्टूडियो, इसके बारे में मेरे को पता है यार, इधर अपनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनती हैं एंड जो देख रखा है मैंने यार। तो इधर जाते अंदर एंड अपनी एक वीडियो बनाते हैं। सबसे पहले ये क्या पूछ रहे, दिस इज द वे। तो ये सब 2x स्पीड में, इसलिए मैं आपको पढ़ के तो नहीं बता सकता, यानी कब जब जब अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने लाएंगे आ जाएंगी, तो मैं इसको स्लो मोशन में करके आपको बता दूंगा यार क्या क्या कह रहा है वो। एंड नाउ देख लो, अपनी वीडियो बन चुकी है, तुम लोग देख लो भाई। या दिस इज राइट, इट इज संकल्प, अपनी वीडियो बन चुकी है। इसके बाद अपन जो है आगे जाते हैं, PSS जो भी बोल रहा है ये जाने, इसको एक बार चेक कर लेते कौन कौन क्या क्या दे रहा है, वो चेक करके फिर निकलते अपन। आप कुछ दे रहे हो? हाँ भाई, इसने कुछ तो दिया, इज्जत रख ली अपनी, लेंस केस दिया इसने। बाय द वे अपन जो इधर से निकलते, ये सिटी बहुत बड़ी है यार, अपन को एक्सप्लोर करने में टाइम लग जाएगा। एंड हाँ, जो ये एपिसोड कितने टाइम का मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, तो चलिए अपन देख लेते हैं जितना भी बड़ा हो, क्योंकि इस सिटी को इस बार डिस्कवर अपन को पूरा करना ही पड़ेगा। एंड जो इधर कुछ हेयर कट कर रहा है अपना, तो वो देख लेते मीडियम, नहीं भाई तू सरप्राइज करके बता मेरे को तू कौन सा लगाई। हाँ तो चेक कर लेते अपन अपन को कौन सा मिल रहा है भाई, क्या बेकार हेयर स्टाइल लग रही है भाई, सही बताऊँ तुम्हें, मेरे को अच्छी लगी, पर मैं फिर से 3000 नहीं दूंगा तेरे को, मेरे को पैसे नहीं देने गेम में, चलता ही ना वो 3000 रुपये कौन लेता है यार बाल काटने के आजकल, महंगाई का जमाना। ये एक और कॉफ़ी शॉप थी, पता नहीं क्यों मैंने उसको इग्नोर कर दिया, कैसे उस टाइम पे मैं जो है मतलब वॉइस ओवर बाद में करते हैं तो बाद में पता चलता है मेरे को। एंड देख लो इधर भी बिल्डिंग पे, पर सारी जगह में बात करनी चाहिए, कर लेते एक बार। पोकेमोन के पास आइटम रहते होल्डिंग किए, वो पता मेरे को, पकड़ते उनके कुछ ना कुछ उनके पास रहता, अपन चेक कर सकते, उनके निशान आ जाता है जो पोकेमोन के बैग के अंदर, वो चेक कर सकते। सेकंड फ्लोर एक ही फ्लोर है, वो अच्छी बात है इस बिल्डिंग में। कुछ दे रहे हो आप? नहीं नहीं चू चू ची ची, इसको ट्रैश किन को हमेशा चेक करना चाहिए भाई, इसमें कुछ ना कुछ आइटम मिल जाता है। वो पोकेमोन सोयल सिल्वर की कोई गेम खेला था मैंने, उसके अंदर हमको मचलेक्स मिला था यार, इस गेम के ट्रैश कैन के अंदर एक मचलेक्स मिला था, तो कुछ भी मिल सकता है यार, चेक करते रहना चाहिए ट्रैश कैन को। एंड नाउ बाय द वे आगे निकलते हैं, निकलते हैं वापस बाहर, अभी तो पूरी सिटी एक्सप्लोर करनी बाकी है। नाउ तुम लोग देखो यार, मैं पूरा टाइम बोलता रहूंगा कि तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। ये कुछ ड्राइवर कुछ बोल रहा है, अपन ड्राइवर की बातों पर ध्यान नहीं देते, सोई आगे अपन को नहीं जाने दे रहा है ये, तो अपन आ गए सीधा पोकेमोन सेंटर में, तुमको ढूंढ के बता दिया जादू से। तो अभी इधर आ गए अपन, जो अपने पोकेमोन को सबसे पहले हील कराते हैं, पहले से तुमको पता है हील तो किया नहीं अपन ने पोकेमोन को। नाउ ये कुछ दे रहा, हाँ एक्सपीरियंस चेयर से, वो अपन को मिल चुका एक्सपीरियंस चेयर, अपन को पता है। नाउ एक बार पोकेमोन में कुछ नया आया तो उसको चेक करना पड़े यार, ये 6 पोकेमोन रहते ही बता रहा पीसी में, तो वो भी अपने को पता है यार, पोकेमोन के बदले ये चीज़ें देगा भाई, पोकेमोन है ही नहीं मेरे पास पोकेमोन में, क्या है कुछ काम का नहीं है।
इसमें भी रिवाइव नहीं मिल रही अभी तक, लगता है नेक्स्ट सिटी में जाके ही अपन को रिवाइव मिलेंगी, तो तब जाके अपन चेक करेंगे। बाय द वे रेपल्स मिल रही है तो मैं रेपल्स को खरीद लेता हूँ एक बार, बहुत काम आएगी अपने, तो उनको खरीद लेते एक बार। एंड नाउ आगे बढ़ते, इधर तक आ गया, हमें स्किप कर रहा हूँ बीच में ताकि आपको सिटी जल्दी जल्दी एक्सप्लोर हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ी सिटी है, तुम एक्सप्लोर करने बैठोगे तो एक घंटा तुम्हें इसी सिटी में हो जाएगा, इसलिए मैंने तुमको ये कट कर कर करके दिखा दिया पूरा कट कर करके। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था इस सिटी में बाय द एंड कुछ नो इतना मनी तो भैया अपन ने देखा नहीं अभी तक गेम में, एंड ओरिजिनल में टी वगैरह में देख लिया अपन ने बना दिया स्टोन, तीनों स्टोन का कुछ काम नहीं है, ये ईवी के काम आ सकते हैं, बट अपने पास ईवी है नहीं, कोई काम के नहीं स्टोन्स। इस शॉप के अंदर जाते हैं अपन। ओके यू नॉट स्टाइलिश, क्या बोल रही है अपने, अरे यार अपन हेयर स्टाइल बिगाड़ दी इसलिए बोल रहा है, लग रहा है मेरे को आई एम नॉट स्टाइलिश, नॉट नो जस्ट थिंक यू। कस्टमर से कोई ऐसे बात करता है क्या यार, रिवाइवल हर चाहिए थी बट है नहीं इतना मनी, छोड़ो इसको भी, कस्टमर से कोई ऐसे बात करता है, गेम वालों को भी तमीज़ नाम की चीज़ नहीं सिखाई इन लोगों ने थोड़ी भी। बाय द वे यार अब की बार जो मैंने अपनी साउंड बढ़ा दी अपने गेम की, यार गेम की मतलब कम कर दिया मैंने अपना, जो पिछले गेम प्ले में देखा मैंने मेरे खुद का साउंड ठीक से नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने जो इस बार बढ़ा दिया अपना साउंड, देख लो अब तुम लोग। एंड गेम प्ले की आवाज़ बहुत ज़्यादा रहती है इसलिए होता है यार, तो मैंने इस बार गेम प्ले की आवाज़ कम कर दी है थोड़ी सी, एंड देख लेना तुम अगर बराबर हो तो बोल देना कमेंट में, एंड अगर कुछ चेंज करना हो तो भी बोल देना, बाकी मैंने फ्रेम व्रेम सब बना तो दिया है सारा एकदम। एंड यार एक एपिसोड बनाने मुझे पूरे 6 घंटे के आसपास मेहनत लग जाती है, तो लाइक कर देना एक ज़रूर लाइक करना, एंड जो एक्सपोर्टिंग टाइम होता है उसको मिला के नहीं टोटल 8 घंटे हो जाते हैं मेरे को, क्योंकि मेरा एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, ऑलमोस्ट मैं 3 घंटे तक एडिटिंग वगैरह करता हूँ, एंड बाकी जो मैं जो गाइस एक्सपोर्टिंग में ही टाइम लग जाता है क्योंकि पीसी थोड़ा स्लो है, एंड उनको बताइए यार इसमें कोई ग्राफिक कार्ड नहीं है, मैं इसको बिना ग्राफिक कार्ड के भी खेलता हूँ बहुत लो एंड, तो भी अपना चल जाता है गेम यार, तुम उनको कर सकते हो अगर चाहिए तुमको ये गेम तो, इसके रोम की डाउनलोड लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड बाय द वे अपन को जाकर कॉफ़ी शॉप मिल चुकी है, ओ नहीं ये तो पुरानी वाली कॉफ़ी शॉप, पता नहीं मैं क्यों बात कर रहा हूँ वापस, नहीं ये दूसरी कॉफ़ी शॉप है, एंड ये कुछ देते नहीं यार मेरे को इसलिए बात करने का नहीं होता इनसे, एंड इसके बाद अगर आगे निकलते अपन कुछ और मिले तो। एंड वो इस अपन को फाइनली वो वाली कॉफ़ी शॉप मिल चुकी है, हाँ मिल चुकी है, अब चेक करते हैं अपन इसको एक बार। मैंने इसको जो है सुपर स्लो कर दिया इसलिए तुमको थोड़ा लग रहा होगा, पता है मेरे को स्लो लग रहा होगा, बट ताकि मैं इनकी बातें पढ़ सकूँ इसलिए मैंने इसको सुपर स्लो कर दिया है भाई। चलो अंदर चलते फिर अपन अपन बातें सुनते एक बार, बातें पढ़नी चाहिए ये ज़्यादातर तभी एपिसोड में मज़ा आता है, तो चलिए पढ़ के देख लेते इस बार। जस्ट सो यू नो नेबर लाइसेंड्रा द हेड ऑफ लाइसेंड्रा लाइफ विच क्रिएटेड द होलोकास्ट, अपन को एक होलोकास्ट मिला शायद तुमको पता नहीं हो तो मैं बता दूंगा बाद में, मोस्ट फेमस मूवी स्टार्स इन द वर्ल्ड आई वंडर द टू टीम ऑफ देम, इसने जो भी बोला ठीक से नहीं पढ़ा मैंने, बट इसने जो होलोकास्ट बनाया और ये वर्ल्ड की सबसे फेमस मूवी स्टार है, क्या बात है भाई, नो नो क्या बात है, एवरीथिंग चेंजेस, जो भी बोल रहे भाई मैंने नहीं पढ़ा, यू आर चूसन टू मूवी स्टार करेक्टर या मेक द वर्ल्ड चेंजिंग रूलर, कुछ भी बोला इसने मैंने नहीं पढ़ा यार, और थोड़ा स्लो करना चाहिए था मेरे को बट मैंने किया नहीं पता नहीं क्यों, संकल्प या मैं ही वही था वन ऑफ द मोस्ट अल्टीट्यूड्स हर एक्सीलेंट वॉइस योर डेडिकेट्स टू मेकिंग हर अदर पीपल, आई वी एक्सक्यूज मी, तो चलो ये बंदा निकल रहा है एंड बात करते इससे फिर अपन को पता चलेगा भाई ठीक से तो नहीं पढ़ पाया मैं, नेक्स्ट एपिसोड से मैं जो वॉइस ओवर साथ में ही करूँगा यार, तो जल्दी से लाइक कर देना उसके लिए भी, मैं वॉइस ओवर कर दूँ बट बैकग्राउंड नॉइस आती है इसलिए मैं जो ओनली जो अंदर का साउंड ही रिकॉर्ड करता हूँ, ज़्यादातर गेम प्ले में नाइट को खेलता हूँ इसलिए नाइट को खेलने की वजह से ही मेरा जो रिकॉर्ड नहीं कर पाता यार वॉइस में, इसलिए नाइट को फिर घर पर ही रहता हूँ मैं, तो मतलब दिन को यार मम्मी पापा रहते नहीं तो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ अच्छा गेम प्ले, इसलिए
से मैं दिन को रिकॉर्ड किया करूंगा एंड दिन को एडिटिंग करूंगा। एंड बाय द वे ये भी चले गए, यू बैटल एवरीवन नो मैटर हु दे आर। हाँ भाई पोकेमोन ट्रेनर हर किसी से बैटल करता है। तो बाय द वे जो इसमें और कुछ है नहीं, आई नो वी सेट ऑफ द जर्नी। हाँ भाई हम जर्नी पे निकले हुए से, हम दोनों नेबर है ही। हाँ भाई नेबर ही है। आई वॉन्ट लॉस्ट हो, इसने जो भी बोला मैंने नहीं पढ़ा, हम आपकी बातें नहीं सुना करते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। बाय द वे निकलते अभी सिटी से क्योंकि अपना काम हो चुका है, अब नेक्स्ट वाली सिटी में अपना काम है। तो भाई एपिसोड पर लग रहा होगा मैंने इस सिटी को 10 मिनट में क्रॉस कर दिया, बट एक्चुअली मुझे 1 घंटा लग गया यार इधर। सही बता रहा हूँ, मेरे को एक्सप्लोर करने में मैंने तुमको आधे से ऊपर चीज़ें बताई नहीं है ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो, क्योंकि कुछ देते नहीं है ये लोग इधर, कुछ देते ही नहीं यार। घरों पे तुम कहीं भी चले जाओ तुमको कुछ नहीं मिलेगा। तो बाय द वे इधर चले जाते हैं एक बार, इधर तो ये पोकेमोन की लैब ही है, आज मैं कहाँ घुस रहा हूँ। बाय द वे इस टाइम पे तुमको यार जो गेम की साउंड नहीं आ रही होगी इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इस टाइम पे मैंने वॉइस ओवर के लिए ट्राई किया था बट माइक इतना अच्छा नहीं चल रहा था यार, पता नहीं क्या हो गया था, मेरा हेडफोन का माइक से रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, किसी और माइक से हो रहा था इसी के। तो फिर मैंने इसलिए जो उस टाइम पे वो वाली चीज़ें स्किप कर दी है, थोड़ा सा इस एपिसोड में गड़बड़ हुई है, बट इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ यार। मैं नेक्स्ट एपिसोड से मैं पूरी तैयारी के साथ रिकॉर्ड करके आऊँगा एंड कोशिश करूँगा यार कि बहुत अच्छी क्वालिटी मिले तुम लोगों को, वॉइस की भी वैसे भी स्क्रीन की तो अच्छी क्वालिटी मिलती है। तो ये मैं राउंड 5 पे हूँ तुम्हारा वाइल्ड पोकेमोन के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, यही कह रहा है तुमको मैं बताया था, मैं मेरे को बताया इसलिए। तो यहीं पर राउंड 5 आ जाता है अपना, तो अपन इधर निकलते हैं, उससे पहले इधर जाते हैं। कुछ बता रहा है ठीक है, अटैक पावर, हाँ भाई एक्स अटैक वगैरह वो अपने स्टेट्स को इंक्रीज कर देते हैं, वही बता रहा है शायद ये, तो मेरे को नहीं पता, इनसे बात कर लेते एक बार। हाँ ये राउंड 5 ही है भाई, अपने पिक की बात है। बाय द वे इस सिटी को अपन ने एक्सप्लोर कर लिया खाली 10-11 मिनट के अंदर एंड ओके। तो ये लुकारियो आ चुका है इधर, कर लुकारियर कारियो समथिंग कर, पता नहीं क्या बताए। हाँ भाई थैंक यू सो मच लुकारियो भाई, वो बोल रही थी हैंडसम नहीं अपन, इसलिए अपन को अंदर नहीं जाने दिया। और ये देखो लुकारियो अपना फैन बना पड़ा इधर, अपना फैन पंखे वाला फैन नहीं बोल रहा मैं बाय द वे। एंड आगे निकलते बट एक बार इधर चेक कर लेते अपन कुछ मिल जाए तो, अपन को इधर भी चेक करना चाहिए। हाँ तो यार इधर कुछ अच्छा मिल नहीं रहा अपन को, फिर भी एक बार चेक कर लेते ठीक है। ये पोकेमोन ट्रेनर्स मिल गए अपन को एंड इनके बीच में तुमको वापस गेम की साउंड आनी शुरू हो जाएगी, तो इस बात पे एक लाइक कर दो यार वीडियो को, जल्दी से लाइक कर दो, तुमको गेम की साउंड आनी शुरू हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। एंड नाउ नाउ हम वेट कर लेते थोड़ा सा 1 मिनट एंड मुझे शायद तक पोकेमोन चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रिक तो है नहीं, फायर भाई सही करना मेरे को इलेक्ट्रिक एन, मेरे पास बराबर पोकेमोन है वैसे ये फायर टाइप भी है इसलिए इतना काम का नहीं है यार, मेरे को क्विक अटैक ही करना चाहिए, सही कर रहा हूँ मैं वैसे तो, मेरे को पोकेमोन चेंज करना चाहिए था शायद बट वो भी इतना इफेक्टिव नहीं होता इसलिए क्विक अटैक ही काम चल जाएगा अपना। फ्लेम थ्रोवर कर भाई, फ्लेम चार्ज जो भी अटैक है इसको कर यार तू, बस इस तरह से बहुत ज़्यादा हेल्प गई है मिनम की, प्लसर और मिनम माइनम कहते शायद इसको, प्लसर एंड माइनम एंड शायद तक तुमको गेम की साउंड आ गई होगी यार, जल्दी से लाइक कर दो जल्दी से गाइस, लाइक द वीडियो सब्सक्राइब कर देना चैनल को साथ ही साथ। एंड वेटिंग शेडी यूज्ड टू फ्लेम चार्ज, जल्दी से भाई इसको तू फ्लेम चार्ज कर, इस बैटल को खत्म कर, शायद तक मुझे तुम्हें ये बैटल नहीं बतानी चाहिए थी पर पता नहीं क्यों मैं तुमको ये बैटल बता रहा हूँ ताकि मेरा एपिसोड थोड़ा लंबा हो भाई, वॉच टाइम मिलेगा मेरे को इसलिए मैं बता रहा हूँ तुमको, बैटल देख लो अगर अच्छी लग रही हो तो। एंड खास करके मेरे FPS ड्रॉप होते गाइस बैटल के टाइम पे, इसलिए मेरा जो अभी इसको 2x स्पीड किया देख लो, 2x स्पीड में भी तुमको ये नॉर्मल लग रहा होगा क्योंकि ये जो गाइस इधर FPS इतना ड्रॉप होता है मैं तुमको बता नहीं सकता है, गजब ड्रॉप होता है फाइट के बीच में। वर्ल्ड टावर 13 लेवल 13, उसने बबल सिकला टेल व्हिप को हटा देते हैं पर टडा वॉल टावर, सही नाम नहीं लगा मेरे को बट चलो कोई नहीं, चलो फ्लेम चार्ज अभी मैंने साइड में कर दिया, शायद अटैक नहीं हो जाता इससे वापस, फिर भी इसी पे करेगा वो अटैक
अपन देख लेते हैं इसी प्रोग्राम अटैक को यार। ओके अपना काम बन था। इलेक्ट्रा ग्रेट टू लेवल 15, ये भी शायद एक अटैक लर्न करेगा शायद। हाँ नहीं नहीं कर रहा, कोई नहीं। अपना इलेक्ट्रा शायद तक राइचू में 30वें लेवल तक पहुंचेगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। वॉल टावर ग्रो होने वाला है अपना 16 लेवल पे। बाय द वे ये रहा अपना जो होलोकास्टर पे इसने भेजा था अपन को मैसेज, अपना फ्रेंड बोस, अपन ने नाम दिया था इनको बोस। आई एम योर बॉस पोकेमॉन ट्रेनर टियर 9। टियर 9 भाई क्या नाम रखा है इसने भी। बाय द वे मैं इधर रुक चुका हूँ, मैं कुछ एडिटिंग वगैरह कर रहा था, मतलब पीछे की तरफ डर गया हूँ पता नहीं क्यों। और फिश थंडर शॉक, हाँ खत्म हो जाएगा, एडवांटेज अपने पास से इसलिए जल्दी से खत्म हो जा भाई, हमारे पास टाइम नहीं है। पैरालाइज हो गया वो बहुत अच्छी बात है, ये कह चुकी एक एडवांटेज जरूर यार ये पैरालाइज हो जाता है, सही बताऊँ तुम्हें। बाय द वे इसको भी हरा दिया अपन ने गाइस, लाइक कर दो जल्दी से इसी बात पे, लाइक बनता है। नाउ अगर तुमको इस गेम की रोम डाउनलोड करनी है, मैंने तुमको डाउनलोड लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके तुम डाउनलोड कर सकते हो यार जल्दी से, उसको डाउनलोड करके खेल भी लो तुम्हारी मर्जी है। एंड उसके बाद इनको यूज़ कर सकते हानि से, जो अपन को गाइस पोकेमॉन जो होंगे पेड़ वगैरह पे इनको बुला सकते हैं नीचे, अपन केव्स में जो पोकेमॉन होते हैं उनको ये सब हानि से बुला सकते हैं। मैंने तभी चेक कर लिया था पर फिर भी मैं तुमको दिखा रहा हूँ, देख लो स्वीट हनी लशरोना देट अट्रैक्ट वाइल्ड पोकेमॉन व्हेन इट इज यूज्ड, देख लो तुमको बता दिया मैंने। पोशन भी लगा लिया, अब निकलते अपन इधर से एक बार। एंड हाँ तो यार निकलता आगे की तरफ, एंड ये एक और ट्रेनर इसको भी मैंने हरा दिया। तुमको मैं सारी बैटल तो नहीं दिखाऊंगा यार, तुम्हारा अभी टाइम पास नहीं होता, मतलब तुम्हें बोर लगने लगता है। मेरा पिकाचू फेंटेड हो गया है यार, मैंने गलती कर दी उस टाइम पे, मेरे को लग रहा था मेरे पास रिवाइव है बट मेरे पास रिवाइव नहीं था, मैं गलत खेल रहा था इसलिए उस टाइम पे। एंड नाउ लेस केस वगैरह सब कुछ है अपने पास, तो अब अपन एग्जिट कर देते एक बार, लेकिन बाहर निकलते, निकल भाई निकल, मैं क्या कर रहा हूँ उस टाइम पे। एक मिनट, मेरा पोकेमॉन फेंट हो चुका है भाई, क्या हो गया इसको। बाय द वो रोड दिख रही तुमको, वो रोड किस काम की है किसी को पता है? मैं करके दिखा दूंगा अभी तुमको रोड किस काम की है, वो देखते जाओ। ये सबसे पहले अपन ने ऑरेंज बेरी ले ली, ये मतलब फिसल पट्टी जैसा है यार, देख लो तुम जैसे भी, इधर दिखा था मेरे को इसलिए मैं इधर जा रहा हूँ। एंड बाय द वे वो रही पोकेबॉल, मैं इसको लेके आता, एक सुपर पोशन मिल गया, बहुत अच्छी बात है सुपर पोशन। अब जाना कहाँ पे अपन को, इधर आ गया भाई ये कौन सुपर पोशन, थैंक यू सो मच। आगे निकलते अपन अब यार, अपना काम हो चुका है, सब कुछ काम हो चुका है, तो अपन आगे निकलते गेम प्ले में। शायद तक अब अपन को नेक्स्ट सिटी मिल जानी चाहिए, वैसे इस रूट पे ट्रेनर्स बहुत ज़्यादा है, मैं तुमको पहले ही बता दूँ। तो इसकी ट्रेनर स्किप बैटल कर देते हैं भाई, इसकी बैटल स्किप करके मैं तुमको दिखाते हूँ ताकि तुम्हें यार बोरिंग नहीं लगे, इसलिए मैं तुमको स्किप करता हूँ। बाकी बता देना अगर तुमको बैटल्स भी देखनी हो तो मेरे को वो भी बता देना, मैं तुमको दिखाते रहूँगा। चलो इस बार इसकी बैटल मैं तुमको दिखा देता हूँ ताकि तुमको भी मज़ा, जिनको बैटल स्किप करना अच्छा नहीं लग रहा वो भी देख लो भाई, बाकी स्किप कर दो 10-20 सेकेंड में, तो डोडू इसके पास जो कि तुमको इधर मिलता रहता है यार, तुम इस ग्रास में सर्च करोगे अगर तुम्हें डोडू चाहिए तो तुम्हें इजीली मिल जाएगा, एकदम इजीली। फ्लेम चार्ज करते इसको हराते जल्दी से, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है इसलिए अब अपना अटैक पहले हुआ नहीं, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। इसको ख़त्म करते यार, टाइम हो गया वैसे भी, खेलते खेलते भी मुझे बहुत टाइम हो गया था वैसे भी। एंड मैं इस रूट को ख़त्म करके इस एपिसोड को ख़त्म करना चाहता था, इसलिए मैंने आधे से ऊपर बैटल भी इसमें जो स्किप की है बहुत कुछ किया है, बट मैं इस सिटी को मतलब कंप्लीट करना चाहता, नेक्स्ट सिटी में जाना चाहता था, इसलिए मैं जो थोड़ा बहुत स्किप वगैरह बहुत किया है इसमें, तो थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ मैं। डोडू का फेंट हो चुका है ठीक है, बाय द वे अब अपना काम हो चुका है वाल्टो और 15 लेवल। मेरे को लग रहा था इस एपिसोड में मैं इसको लेवल अप कर दूंगा बट नेक्स्ट सिटी आ गई इसलिए मैं इसको नहीं कर पाया यार इवॉल्व, वरना इवॉल्व हो जाता है 16 लेवल पे तुमको पता ही होगा। नहीं मैं इससे फाइट करना चाहता हूँ, हाँ चलो ये भी फाइट तो कर रहा है। बाय द वे इस फाइट को मैं तुम्हें दिखाऊंगा ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो,
और मेरा भी वॉच टाइम बढ़े। भाई तुमको अच्छा लगे तो देख लेना, नहीं तो स्किप कर देना, कोई नहीं, तुम्हारी मर्जी है, ये जो भी करना है। इसको अपन ने हरा दिया, ऑलमोस्ट हरा दिया है, कुछ नहीं इसके पास। इतने ये लोग पता नहीं क्यों इससे पोकेमॉन लेते हैं, बट ट्रेनर्स हैं यार, कुछ भी मतलब प्रोग्रामिंग है तो इतने अच्छे नहीं लगे। अगर रियल प्लेयर है तो बात अलग है। पबजी की तरह क्रिटिकल हिट एंड नाउ खत्म खत्म। ओडिश ओडिश मैंने पता नहीं क्यों वॉल टावर को निकाल दिया, बट मैं इस बेटर को स्किप कर देता हूँ ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो। यार मैं पागल था, मेरे को उसको ही रखना था, बट पता नहीं क्यों मैंने उसको निकाल दिया। उस टाइम पे मैं ठीक से खेल नहीं रहा था, पहले ही बता दूँ। उसको बैटल को स्किप कर दिया मैंने, क्योंकि बहुत टाइम लग गया वॉल टावर से हराने को। मेरे को उसको हराने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, इसलिए मैंने जो इस बैटल को स्किप कर दिया है पूरा एंड। इधर मेरे को रेपल यूज़ करनी चाहिए, बट पता नहीं क्यों मैंने नहीं की। मेरे को उसके ऊपर जाना है तो इधर जाते हैं अपन। इधर बैटल साई मैंने स्किप किया, इधर फिर साई इसको भी मैंने स्किप किया। इधर आ गया अपन फोन क्लोज, ठीक है अच्छा टीएम होगा ये। अच्छा भाई अब टीएम है तो अच्छा ही होगा। बाय द वे ठीक है मैंने इस बैटल को भी स्किप किया ना। अब मैंने रेपल लगा दी इसलिए टेंशन मत लेना, कोई पोकेमॉन नहीं आएगा शायद। इधर कुछ हिडन आइटम है क्या, पता नहीं इन लोगों ने गड्ढा क्यों रखा है भाई, अब मेरे को नहीं पता। हिडन आइटम होना चाहिए था बट मेरे को नहीं मिला, मैंने बहुत ट्राई किया मेरे को कोई हिडन आइटम नहीं मिला। एंड बाय द वे रेपल यूज डे इसलिए तुमको लगेगा कोई पोकेमॉन आएगा नहीं अब डिस्टर्ब करने। इधर चेक कर ले तो ठीक है, एक पोकेबॉल पड़ी उसको उठा लाते एक बार, एक सटेक अच्छा है भाई, ये भी अपने स्टेट्स बढ़ाता है वो अच्छी बात है। और रेपल लगा ले भाई, लगा ले तू रेपल। बाय द वे ये एक और ट्रेनर है, इसको भी हरा दिया हमने क्योंकि स्किप कर देते हो यार, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है वैसे भी इसलिए। एंड नाउ इधर एक और ट्रेनर है, हाँ भाई फाइट कर ले। हाँ तो भाई तू भी फाइट कर ले जल्दी से, हमारे पास टाइम नहीं है। इसको भी मैंने बैटल स्किप कर दी तुम्हारे लिए, कट ही होगा इधर अपन को कट, यानी कि ये नेक्स्ट सिटी का रास्ता हो सकता है, हो सकता है नेक्स्ट सिटी का शायद से, हाँ पक्का नहीं है। तो ये देख लो आ गई एक और सिटी, फॉलो क्लिप रिसीव्ड। चलो इसको भी एक बार पढ़ लेते सुपर स्लो, इसलिए तुमको ये ब्लैक ब्लैक स्क्रीन देख रही है बहुत देर तक। ठीक है होलोकास्टर, इसका नाम मेरे को अब अच्छी तरीके से याद है, फॉर यूजिंग होलोकास्टर। हाँ भाई लेब्स डेवलप्ड द होलोकास्टर टू मेक द लाइव्स ऑफ पोकेमॉन ट्रेनर्स रिचर फुलर एंड मोर कन्वीनियंट, यानी कि इन्होंने होलोकास्टर को थोड़ा डेवलप कर दिया, अच्छी अच्छी चीज़ें डाल दी, इसका कहने का मतलब है। तो भाई देव यही है यार, अपन नेक्स्ट सिटी में आ चुके, तो आज का एपिसोड यही था यार। ये एपिसोड तुमको अच्छा लगा तो लाइक कर देना है। नेक्स्ट सिटी में अगर जिम होगा तो ज़रूर अपन नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जिम बैच जरूर जीत जाएंगे। इस एपिसोड को लाइक कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगा तुमसे एक और नए इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, सब्सक्राइब करने करके जरूर जाना नेक्स्ट एपिसोड के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, लाइक शेयर कमेंट द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, सब्सक्राइब बटन तोड़ के जाना यार एंड नोटिफिकेशन बेल दबा देना।